देखिए इन मासूम बच्चों को। इनकी ये हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये बच्चे किसी अमीर घर के नहीं हैं। ये तो उस घर से ताल्लुक रखते हैं जहां उनके माँ बाप खेतों में मेहनत करके शाम के खाने का इंतजाम करते हैं। उन्हें नहीं पता उनके बच्चे की पढ़ाई का क्या हाल है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें पढ़ाता कौन है। तभी तो इसी बात का फायदा उठाकर कुछ फर्जी टीचरों ने ऐसे सरकारी स्कूलों को अपना निशाना बनाया है, जहां ये फर्जी लोग टीचर के पद पर रहकर सरकारी तनख्वाह का लुत्फ उठा सके। दरअसल मामला बलिया जिले का है, जहां कुछ ही दिनों में 8 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जो रोजाना सुबह सुबह मास्टर साहब बनकर बच्चों को पढ़ाने निकलते थे। खैर अब उनको बर्खास्त किया जा चुका है। हाँ, ये नारायण जी यादव हैं जो प्राथमिक विद्यालय पदाधिकारी में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। ये इनकी नियुक्ति सन 1999 में हुई थी, क्योंकि उनके अभिलेखों का वेरिफिकेशन कराया गया था, सही पाया गया था और अभी ये नियुक्ति कर रहे थे, लेकिन जन सूचना के माध्यम से एक शिकायतकर्ता हैं इनकी सूचना दिए थे और पुनः सत्यापन कराए जाने के बाद इनके लिखित और प्रैक्टिकल के मार्कों में भिन्नता पाई गई और चूँकि प्रकरण जो है बहुत गंभीर था, इस वजह से इनको जो है टर्मिनेट कर दिया गया। तो सुना आपने किस तरह बेखौफ होकर ये लोग मास्टर बन जाते थे और निकल पड़ते थे स्कूल की ओर बिना किसी से डरे। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी का बच निकल पाना तब मुश्किल हो जाता है जब उसके अपराध की सीमा बढ़ जाती है। बलिया से अनिल की रिपोर्ट, UP तक।